हर हर गंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को हरिद्वार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर एक तीर्थ स्थल और पूरे हरिद्वार के दर्शन कराऊंगी। अपने प्रॉमिस के मुताबिक आज मैं आ चुकी हूँ हर की पैड़ी हरिद्वार। आप लोगों की पहले की वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छे नहीं आए, इसलिए मैंने वीडियो जल्दी से अपलोड नहीं की और थोड़ा डिमोटिवेट हो चुकी थी, इसलिए मैं आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और ये देखिए, कर लीजिए माँ गंगा के अद्भुत दर्शन, जिसके दर्शन मात्र से मन को शांति मिलती है और हमारे पापों का नाश हो जाता है। इसमें डुबकी लगाने से हमारे सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये है हमारी माँ गंगा और वहाँ दूर विराजमान है हमारे भोले बाबा। और आप देख सकते हैं घाट की दूसरी तरफ हट पहले साइड, और मतलब आजकल भीड़ काफ़ी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भीड़ है क्योंकि आजकल ठंडा भी है। तो आप देख सकते हैं ये घाट काफ़ी बड़ा है और यहाँ दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुओं की भीड़। चाहे ठंड हो गर्मी हो, सिर्फ एक जनवरी में जब कड़ाके की ठंड पड़ी थी तब थोड़ा बहुत भीड़ कम हुई थी, मगर अब माघ का महीना स्टार्ट हो गया तब से भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो चुकी है। और आप देख सकते हैं नीचे माँ गंगा बहती है और ऊपर टॉप में विराजमान है हमारी माँ मनसा देवी। तो चलो, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आप लोगों को मनसा देवी के दर्शन कराऊंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सीढ़ियाँ और काफ़ी सारे ब्रिज बने हुए हैं, आप एक घाट से दूसरे घाट को ईजिली जा सकते हैं। और अब मैं आपको नीचे से अच्छे से माँ गंगा के दर्शन कराती हूँ। और यहाँ पे आपको पूजा की सामग्री और गंगा जल ले जाने के लिए वाटर केन्स, हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। और आप यहाँ, आपको यहाँ पे अगर आप किसी अन्न का दान करना चाहते हैं तो आप यहाँ इजीली अन्न का दान भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और ये देखिए यहाँ विराजमान है हमारी माँ गंगा और दूर विराजमान है हमारे भोले बाबा। तो चलो, अगले वीडियो में कोशिश करूंगी कि ये बड़ी सी प्रतिमा वाले पार्क में मैं आपको बड़े से प्रतिमा, ये भोले बाबा के दर्शन कराऊं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा रिस्पॉन्स दे, जिससे मैं भी खुश होकर आप लोगों को अच्छे से पूरे हरिद्वार के दर्शन कराऊं। और आप देख सकते हैं मात्र दर्शन मात्र से ही मन को इतना शांति और सुकून मिलता है माँ गंगा के, तो मानिए तो डुबकी लगाने से तो पूरे पाप ही धुल जाते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं पॉजिटिविटी से भर जाती हूँ और मन में एक शांति और एक नया सा मतलब उमंग सा रहता है हमेशा। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरे मन में कितनी भी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम टेंशन होते हैं, सब कुछ मैं भूल जाती हूँ यहाँ आने के बाद और मन एकदम शांत हो जाता है। और ये है हरिद्वार हर की पैड़ी का सबसे मेन घाट, और यहाँ पे की जाती है माँ गंगा की आरती। अभी हम सुबह के टाइम आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो माँ गंगा की आरती लाइव मैं आपको दिखाऊंगी और सारे घाटों के सर जगहों के दर्शन भी आपको कराऊंगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग अन्न का दान करते हैं, यहाँ आपको बना हुआ अन्न भी इजीली मिल जाता है, आपको पे करना होता है और अपने प्लेट के हिसाब से आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला अद्भुत दृश्य। और यहाँ पे हनुमान जी भी माँ गंगा के दर्शन के लिए आए हुए थे और इन्हें देख के मैं डर गई थी। ये देखिए यहाँ पे बजरंगबली भी बैठे हुए हैं। और वो मुझे देख के भाग गए। और हम लोगों ने ले लिया है गंगा जल,
हरिद्वार में काफ़ी सारे घाट हैं, सभी के एक एक करके मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगी। और ये है सबसे मेन घाट हर की पैड़ी हरिद्वार का। गंगा जल लेने के बाद और आप हम लोग चलते हैं घर की ओर। अगर आप कभी भी टू व्हीलर से आते हैं तो आप टू व्हीलर की पार्किंग आपको हर की पैड़ी के पास में ही यहाँ इजीली हो जाती है। हम लोगों ने भी गाड़ी यहीं पे लगा रखी है। यहाँ आपको अच्छे से होटल, धर्मशालाएं और आश्रम इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। और गंगा जल लेने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं घर की ओर। भीड़ देख सकते हैं आप अभी, जैसे शनिवार और संडे के दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जैसे आज है गुरुवार का दिन और आज आप देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी कम भीड़ है। संडे के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और यहाँ आपको बहुत ही सुंदर कपड़े, पूजा से रिलेटेड ज्वेलरी, हर एक चीज़ इजीली और अच्छे दामों में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से ख़रीदारी करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से दाम पे मिल जाती हैं। वैसे मेन मार्केट में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा बताते हैं, तो आप पीछे साइड दूसरे मार्केट से ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब